एसेसरी आपके लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती है और आपके आउटफिट में डिटेलिंग ऐड करती है। अगर आपके पास भी टॉप 10 एसेसरीज है तो आपके लुक्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और इन सारी एसेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहां से जाकर बाय कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका भाई हर्षवर्धन। अगर आपको भी अपने स्टाइलिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आप स्टाइलिंग विद हर्षवर्धन को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसेसरीज को पेयर अप करने के 3 रूल है। फर्स्ट जो रूल है वो जितनी ज्यादा आपकी एसेसरीज सिंपल रहेगी डिसेंट रहेगी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। सेकंड जो रूल है आपको हमेशा अपनी आउटफिट से मैच करके ही एसेसरीज को पहनना चाहिए। थर्ड जो रूल है वो है कि जितनी ज्यादा आप कम एसेसरीज पहनोगे उतनी ज्यादा ही आपके लुक्स अट्रैक्टिव लगे। जो एसेसरी है वो आपकी वॉच आपके फोरआर्म में वॉल्यूम ऐड करती है और उसको और अट्रैक्टिव दिखाती है। अगर आप भी अपनी पहली वॉच खरीदने जाने वाले हो तो आप हमेशा लेदर स्ट्रेप में जाओ और उसका कलर अगर ब्राउन होगा तो आपकी वो मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ मैच हो जाएगी। सेकंड जो एसेसरी है वो आपकी रिंग आपको जितनी ज्यादा सिंपल रहेगी उतनी ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगेगी। आप उसमें थोड़ी बहुत प्रिंट ऐड कर सकते हो। और अगर आप भी अपनी पहली रिंग लेने जा रहे हो तो आप हमेशा ब्लैक रिंग की तरफ जाओ। एक हाथ में एक ही रिंग को पहनो और दोनों हाथ में मिलाकर सिर्फ 2 रिंग, इससे ज्यादा पहनोगे तो आपका वो आंटी वाला लुक आएगा। थर्ड जो एसेसरी वो है आपका वॉलेट। वॉलेट आपका जितना ज्यादा स्लिम रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको वॉलेट का कलर हमेशा ब्लैक या फिर ब्राउन ही रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल कलर है। फोर्थ जो एसेसरी वो है आपका बेल्ट। बेल्ट को चूज करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट जो चीज है वो उसका बकल ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए या ज्यादा छोटा नहीं, उसकी साइज मीडियम ही रहनी चाहिए। उस पर ज्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए आपके बेल्ट के ऊपर, उसका बेल्ट की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आपको हमेशा बेल्ट को अपने शू से मैच करना चाहिए। और अगर आपके शू से अगर आपका बेल्ट मैच नहीं हो रहा है तो उसका जो फेमिलर कलर है वो आप मैच कर सकते हो। फिफ्थ जो एसेसरी है वो है आपकी नेक चेन। नेक चेन आपकी जितना पतली रहेगी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और उसका कलर आपको ब्लैक या फिर सिल्वर ही चूज करना है। और आपका उसका पेंडल ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए या फिर ज्यादा अतरंगी नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा वो सिंपल और डिसेंट रहेगा उतनी ज्यादा ही अट्रैक्टिव वो लगेगा। आपको बड़ी चेन को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है और आपको कभी भी अपनी चेन को अपने गले से ज्यादा टाइट नहीं पहनना है। सिक्स जो एसेसरी है वो है इयररिंग। इयररिंग आपके फेस में डिटेलिंग ऐड करती है। और अगर आपके घर पे भी इयररिंग पहनना अलाउ नहीं है तो आप सिंपली मार्केट से वो मैग्नेट वाली इयररिंग ले सकते हो। और अगर आप अपनी इयररिंग को ज्यादा वो फंकी लुक वाला पहनोगे जैसे वो प्लस वाले सिंबल वाले बहुत सारे पहनते हैं तो इससे आपका लुक पूरा छपे लुक लगेगा। तो आपको जितना हो सके उतनी सिंपल ही इयररिंग को भी पहनना चाहिए। 7 जो एसेसरी वो है सनग्लासेस। सनग्लासेस अगर आपके फेस में कोई सी कमी है तो उसको इल्यूजन के थ्रू हाइड कर देते हैं। और अगर आपको भी अपना बेस्ट सनग्लासेस को चूज करना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी है। 8 जो एसेसरी वो है आपका ब्रेसलेट। ब्रेसलेट आपको एक हाथ में 2 से ज्यादा कभी नहीं पहनने और आप अपनी वॉच के साथ भी ब्रेसलेट पहन सकते हो। ब्रेसलेट 3 ही टाइप्स के आते हैं, एक आता है सिल्वर, एक आता है लेदर का और थर्ड आता है थ्रेड का। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो बाय कर सकते हो। एंड जो एसेसरी से वो हर एक मेन के पास होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर आपको ट्रेवलिंग का शौक है तो आपके पास एक क्लासिक बैग होना जरूरी है। आप अपना बैग लेदर का भी ले सकते हो पर लेदर में 2,500 के ऊपर के ही अच्छे आते हैं बैग। अगर आप 500-600 का भी लेदर का बैग लेते हो तो उसमें कुछ टाइम बाद वो लेदर निकलना चालू हो जाता है। तो अगर आपके पास भी इतना ज्यादा बजट नहीं है तो आप सिंपल सा एक ब्लैक बैग सकते हो। जो एसेसरी से वो है आपके सॉक्स। सॉक्स मेनली 2 टाइप्स के आते हैं, एक तो आते हैं 900 सॉक्स, एक आते हैं लॉन्ग सॉक्स। आपको अपने शू के ही अकॉर्डिंग अपने सॉक्स को पहनना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।